हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी दवा के बारे में नहीं बात करेंगे। जिन तीन दवाइयों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा ये कोशिश था कि होम्योपैथी को सरल भाषा में सब तक पहुंचाऊं। इसका उपयोग होम्योपैथी के स्टूडेंट्स, बिगिनर्स डॉक्टर्स, और जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में कहा था कि इसका उपयोग एक आम आदमी को भी होगा, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। जब मैंने चैनल शुरू किया तो कुछ मेरे पहचान के लोग थे, उन लोगों ने चैनल देखा और मुझसे पूछने लगे, सर ये बेलाडोना क्या है, ये रस्टॉक्स क्या है, ये स्ट्रामोनियम क्या है। उनका ये पूछना नाजायज़ नहीं था, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में होम्योपैथिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स जानते हैं, एक आम आदमी नहीं जानता। पर चूंकि मैंने आपको कहा था कि इसका उपयोग एक आम आदमी को भी होगा, चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बदलते समय के साथ इंसान में और इंसान के बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उस बिहेवियर को समझने में होम्योपैथी आपकी मदद करती है, रिश्तों को निभाने में होम्योपैथी आपकी मदद करती है, समाज में होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि होम्योपैथी साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। जैसे भाई भाई का रिश्ता है, दो भाइयों में अगर झगड़ा हुआ या क्लैश हुआ, या बाप बेटे में क्लैश हुआ, पति पत्नी में हुआ, आखिर ये होता क्यों है? लोग बोलते हैं जनरेशन गैप है बाप बेटे में, इसलिए वो दोनों के ख्यालात नहीं मिलते, दोनों के सोच अलग है इसलिए पति पत्नी के ख्यालात नहीं मिलते, भाई भाई के ख्यालात नहीं मिलते। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। होम्योपैथी से हम जान सकते हैं कि जो बंदा सामने है आपके, जिससे आपको रिश्ता रखना है, वो क्या चाहता है, बस उसे पकड़ना है आपको। एक बार आप जान जाएंगे कि ये बंदे की फीलिंग क्या है, ये क्या चाहता है, तो उससे रिश्ता रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, इसका कॉमन लोगों पे क्या उपयोग है, यानी एक साधारण इंसान है वो कहाँ इस्तेमाल कर सकता है इसको, सोसाइटी में इसका क्या उपयोग है। चलिए देखते हैं इन तीन दवाइयों के बारे में। जिन दोस्तों ने मेरा ये तीनों वीडियो देखा है, मैं एक एक का लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लेते हम रस्टॉक्स को। जैसा कि मैंने कहा था, रस्टॉक्स का बंदा बड़ा टिमिड होता है, शर्मीला होता है, जल्दी घबरा जाता है। अगर एक रस्टॉक्स की फीमेल है, उसका विवाह किसी उग्र या एग्रेसिव शराबी के साथ हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसको सारे कंप्लेंट्स भी बाद में शुरू हो जाते हैं, पहले साइकोलॉजिकल बाद में शारीरिक रूप से। पर हमें साइकोलॉजिकल देखना है, बिकॉज आम आदमी दवाई तो नहीं देगा, जबान से ही कुछ मदद कर सके तो कर सकता है, बोल के समझा के, यही एक तरीका होता है। अब हम देखते हैं रस्टॉक्स के पेशेंट को चाहिए क्या।
जो रस्टॉक्स का पेशेंट होता है वो अपने दुखों को बताता नहीं है जल्दी भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिसपे सबसे ज़्यादा भरोसा था पति, वहीं से प्रॉब्लम है। यानी जहाँ उसको सिक्योरिटी मिलती है वहीं से उसको प्रॉब्लम है, तो वो दूसरों पे कैसे जल्दी भरोसा करेगा। तो पहले उसको भरोसे में लेना पड़ता है, उसको भरोसे में लीजिए ताकि वो खुल के आपसे बात करे। जब वो खुल के बात करने लगेगा तब आप देखेंगे कि जो मौजूदा हालात हैं उसके जीवन में, उसमें उसको घुटन महसूस हो रही है, वो बहुत ज़्यादा घुटता है। और जब भी इंसान को घुटन होता है तो खुली हवा में निकलना पसंद करता है। एक चिली पेशेंट होने के बावजूद, चिली पेशेंट मतलब ऐसा मरीज जिसको ठंडी से तकलीफ होता हो, ठंडा पानी, ठंडा माहौल, लेकिन उसको खुली हवा में जाने से बहुत राहत मिलती है, क्योंकि उसका जो घुटन है, ऑप्रेस्ड फीलिंग है ना, वहाँ पे वो रिलैक्स हो जाता है। तो रस्टॉक्स के पेशेंट, अगर रस्टॉक्स का कोई आपका दोस्त है या परिवार में कोई मेंबर है, तो सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। जब वो आपसे खुल के बात करने लगेगा, उसके बाद जो उसका माहौल घुटन वाला है वहाँ से उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जिस माहौल ने घुटन पैदा किया है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ से धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से एक डॉक्टर न होने के बावजूद भी आप अपने अपनों का दुख इस तरीके से दूर कर सकते हैं, या ऐसे आराम दे सकते हैं उनको। बाद में दवा दी जाएगी जो भी है वो दूसरी बात है, लेकिन आप 50% आप काम कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं हम स्ट्रामोनियम की। स्ट्रामोनियम में मैंने कहा था कि एक बच्चा जो जंगल में छूट गया है, वो उसके डर की जो स्थिति होती है ना, वही स्थिति स्ट्रामोनियम की होती है। अब उस बच्चे को डर किससे है? जंगली जानवर, जहरीला जानवर, पैरानॉर्मल एनर्जीज, या फिर अंधेरा, इन चीज़ों का डर है। स्ट्रामोनियम पेशेंट बड़ा एक्सप्रेसिव होता है, खुल के बात करता है, वो रस्टॉक्स ऐसा नहीं होता। तो आपको करना क्या है? अंधेरे का डर, चलिए अंधेरे का डर लेते हैं। अंधेरा मीन्स क्या होता है? अज्ञानता, तमस। जो भी सिचुएशन है जहाँ पे वो अंधेरा महसूस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, अगर वो कहीं पे कंफ्यूज है या समझ नहीं पा रहा है, नॉलेज उस जब भी आप उसको देंगे वो आपकी तरह आकर्षित होगा। अंधेरा में जहाँ पे वो फंसा है वो कुछ डिसीजन, आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे का मतलब ही यही है, बाहर भविष्य में क्या है मुझे नहीं पता। एक कमरा है अंधेरा, उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। द वेरी अनसर्टेन, वेरी अनसर्टेन। पर उसको पहले शांत करिए, स्ट्रामोनियम पेशेंट को, फिर उसको अनसर्टेनिटी से, अंधेरे से लाइट की तरफ लेके आइए। जहाँ वो कन्फ्यूज है वहाँ से उसके कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करिए। आपको करना क्या है? स्ट्रामोनियम क्लिंग करता है ना किसी चीज़ को डर के समय, जो भी है उसको पकड़ लेता है, बस वही आपको बनना है। स्ट्रामोनियम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और इस तरीके से आप एक हारे हुए आदमी को फिर से लड़ने की ताकत देंगे। पर उसके अंधेरेपन को दूर करिए, उसे जो डर है जानवरों का, जानवरों मंस, जानवर प्रवृत्ति के लोग, उन लोगों से अगर डर है तो उसको अवेयर कराइए, डरने की जरूरत नहीं है। समाज है, समाज का एक नियम है,
उसको आपको कंसोल करना है, समझाना है। जितना ज़्यादा समझाएंगे उसको उतना ज़्यादा वो रिलैक्स होगा। अगर कोई बंदा आपका स्टामोनियम घर में है तो उसको अवेयर कराइए, अवगत कराइए सत्य सच्चाई से। कोशिश करिए, वो एक बार में तो नहीं मानेगा, क्योंकि जो बंदा डर जाता है वो पैनिक स्टेज में चला जाता है। इट इज़ नॉट फॉर ये एक या दो दिन में होने वाली बात नहीं है। उसको कंटिन्यूअस काउंसलिंग करिए, दो बार चार बार, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से पहले वो कम से कम 50% तो ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं बेलाडोना पे। बेलाडोना जैसे मैंने कहा अनप्रेडिक्टेबल है, वो सडनली क्या कर देगा किसी को भरोसा नहीं है, तो ये ज्यादा परेशान करता है। पर ये क्यों करता है ऐसे? पेशेंस नहीं होता इसमें, और इसे एक फीलिंग रहती है कि मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जो माफी के काबिल नहीं है, और इस गुनाह को वो छुपाना चाहता है, हाइड करना चाहता है। लेकिन जब उसे लगता है कि वो इसको छुपा नहीं पाएगा, हाइड नहीं कर पाएगा, तो वो शॉर्टकट से भागने की कोशिश करता है, एस्केप फ्रॉम विंडो। ठीक, अगर वो कोई चीज छुपा रहा है और हम उसे एक्सपोज करने पे तुले हैं, तो अगर सामने वाला आदमी बेलाडोना से कमजोर है तो ये वॉयलेंट हो जाएगा और उस पर अटैक कर देगा। लेकिन सामने वाला बंदा अगर स्ट्रांग है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो वॉयलेंट नहीं होता, वो वहां से भाग जाता है। तो आप जब भी बेलाडोना के पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें लगता है, आपको मैंने बता दिया कि उसकी ये फीलिंग होती है कि उसने कोई ऐसा गुनाह किया जो माफी के लायक नहीं है, उसे बिठा के आपको समझाना है। कोई भी गुनाह है, अगर उससे भागोगे आप तो वो गुनाह कम नहीं होता, वो गुनाह वहीं पे रुक जाता है, उतना ही बड़ा, समय दर समय वो बढ़ता ही जाता है। जो गुनाह आपने किया है कमिट करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। ये सब उसे समझाना पड़ेगा आपको, उसके नज़दीक जाइए। और एक बात और, जब भी इंपेशेंट से आप डील करो, जब वॉयलेंट है वो बेलाडोना, और तो उसको कूल होके बात करिए आप, क्योंकि एडमोनिशन, चेतावनी अगर बेलाडोना को दिए तो वो क्रोधित हो जाता है। ये सारी बातें मैंने अपने वीडियो में बताया था, आगे भी दोस्तों मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन उन सारे वीडियोस को आप इतने ध्यान से देखिए कि फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी एक बंदा, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे आपके कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो आपका सहकर्मी हो, जब आपके कांटेक्ट में आए तो उससे कैसे डील करना है ये मालूम पड़े, मेरा यही लक्ष्य है। देखिए दोस्तों, हर साइंस कुछ ना कुछ देती है, बस उससे आपको लेना है। वो देने के लिए हमेशा तैयार रहता है साइंस, पर लेना पड़ेगा आपको। आगे आने वाले वीडियोस में करीब 100-150 आइडेंटिटी का डिस्क्रिप्शन करूंगा, जिससे हम लोग रोज एनकाउंटर होते हैं ऐसे लोगों का, आप उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको कुछ न कुछ मिलेगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा। बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा। आपको कोई कमेंट देना है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए,
अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।